इंसान एक ऐसे गुरु जो स्टाइल आइकॉन है, जो बिंदास है, जो निडर है, जो शाई है, जो ओपन है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो गाना गाते हैं, जो डांस करते हैं, और जब आप उससे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपका बचपन का दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन! तालियों से स्वागत कीजिए गुरु गुरमीत रहीम सिंह जी। कैसे गुरु जी? जी बिल्कुल, सब खैरियत? बिल्कुल। देखिए मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है लाइफ में, आप मेरे जूनियर दिख रहे हैं एज में, तो लोग बोल रहे होंगे जो इंटरव्यू कर रहा है वो इनका पिताजी की उम्र का है, क्योंकि आप इतने यंग दिखते हो। यार ये गलत बात है। हमें लगता है ये सब भगवान की जो भक्ति हम 5 साल से करते आ रहे हैं उसी के कारण। अच्छा, ये जो आपकी छोटी बहनें आपके बगल में बैठी हुई हैं, उनके बारे में बताइए। ये छोटी बहनें नहीं है, क्योंकि आप पिताजी तो दिखते नहीं हो ना, इसलिए। हनीप्रीत के भी तारिया प्लीज एवरीबॉडी। एंड सबसे शाई छोटी लाडली सबकी अमरप्रीत, कैसी हो गुरुजी? आप क्या नहीं करते हो गुरुजी? भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो, वो कौन सी चीज है जो आप नहीं करते हो गुरुजी? वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। तो आपको क्या लगता है, मैं बुरे कर्म करता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ? अच्छे लग रहे हो। ओ रहा तो मुझे टेंशन हो रहा था यार। ये जो पिताजी हैं आपके, कभी कभार ऐसे लगता है कि यार ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, पिताजी नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आपको? हाँ, बहुत बार लगता है जब हम सोचते हैं, जब हम फ्रेंडली करते हैं कि फ्रेंड टॉक करनी है, तो पापा फ्रेंड टॉक भी करते हैं, पापा वाली गाइड भी देते हैं। बहुत बढ़िया सर, हमेशा। सर एक चीज बताओ, एक लिस्ट है यहाँ पे, वॉलीबॉल राइट, थ्रो बॉल, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बिलियर्ड्स, स्नूकर, वाटर पोलो, टेनिस प्लेयर, या टेनिस ज्यादा अच्छा खेलते हो कि कबड्डी ज्यादा बेटर करते हो, किसमें आप माने माहिर हो? हाँ, हमें जब खेला करते थे तब भी लगता था कि हम किसमें माहिर है, क्योंकि सभी के लगभग कैप्टन हुआ करते थे, तो हर गेम हम खेलते थे। क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर जैसे सीखे, तो उसकी वजह यही थी कि जब हम खेला करते थे, आप इसके बारे में भी कहोगे, हैं हम जब खेलते थे हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे, बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे, तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे। और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं जिसमें देश का नाम रोशन हो, हमें लगता है हम उस गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आजकल जैसे ओलंपिक में बच्चे जाके मेडल जीत के लाए, क्या बात है। इनफैक्ट मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, मैं 12th मैन रहा हूँ, लोगों को मैंने पानी सर्व किया है, कमाल का आप अनुभव। जब लोग बोलते हैं कि पसीना है मैं पहुंचता हूँ, वो भी तो कला होती है ना, कमाल की, कमाल। ये कला के पसीने आएंगे, पसीने आएंगे मैं पहुंचूंगा, प्रैक्टिस तो मैं। पर गुरुजी बताओ, आपका एक बेटा है, एक्चुअली ग्रैंडसन है, मैं कंफ्यूज हूँ, बेटा की ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन, पर लोग कहते हो आपका बेटा है, वो क्या कहानी है उसमें? वो तो बहुत बड़ा है ग्रैंडसन, जो वो तो 10 साल का है, हमारी बेटी का बेटा था एक छोटा सा, 4 साल का। हाँ। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से बाई एयर दिल्ली जा रहे थे, तो एक एयर होस्टेस लड़का आया और कहने लगा, गुरुजी ये आपका बेटा है? हमने कहा नहीं, बेटी का बेटा है। कहता है, नहीं यार तू कमाल कर रहा है, क्या बोल रहा है? तो कहता सॉरी गुरुजी, कह के पीछे गया और हमारी बेटी बैठी थी, कहने लगा दीदी वो आपका बेटा है? कह लगी हाँ, वो तो उसके नानू है जो पास बैठे। कहता गुरुजी सॉरी, मुझे तो ऐसे ही लगा था, वो जब भी आता जाता मतलब यूं करता रहा। बड़ा एक्सप्रेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर गुरुजी ये आपका फॉल्ट है यार, इतना जवान दिखोगे तो यही तो प्रॉब्लम होगी सर। अरे सब कंफ्यूज जाते हैं हम क्या है भैया। बट यू नो ये रॉकस्टार बाबा का जो टर्मिनोलॉजी है ना, ऐसे रॉकस्टार बाबा ऐसे ये वाला, ये जब टर्म आपको लोग बोलते हैं तो खुशी होती है, क्या बोलते हैं यार रॉकस्टार बाबा, ये तो बड़ा अद्भुत टाइटल है, व्हाट डू यू फील? असलियत ये है कि हमने यूथ को चेंज करने के लिए गाना शुरू किया। क्लासिकल गाया, साउथ में लोगों ने बड़ा पसंद किया, जब नॉर्थ वालों को सुनाया तो अभी हम राग अलाप ही रहे थे, देखा तो सामने काफी कम हो गए, तो फिर लगा ये तो गड़बड़ हो गई कि क्यों ना फिर वो उन्हीं की भाषा गाएं, तो जैज रैप ये हमने गाना शुरू किया, तो उसको देख के बच्चों ने जो नाम देने शुरू किया, हमें नहीं पता उसका मीनिंग्स क्या है, लेकिन हमें लगा अगर उनको इसी नाम से संतुष्टि होती तो बोलते रहने दो, जो वो बोलना चाहते हैं उससे संतुष्ट है तो क्या हर्ज है। बोलो रॉकस्टार बाबा की जय हो। तुम्हारे आप ऐसे ऐसे जाते हो कि नहीं, ऐसे यो ऐसे करते हो कि नहीं? नहीं, अगर आप जैसे करवाएंगे तो यो कर देते हैं। बिल्कुल यार, सब रॉकस्टार यो ही करते रहते हैं यार। हाँ, और इससे मुझे याद आया कि जब आप बच्चों से मिलते हो वगैरह वगैरह, कि कभी कभार वो भूल जाते कि सामने बैठा इंसान गुरुजी है, और वो आपसे बिंदास बात करते हैं कि उनके अंदर वो थोड़ा रहता है यार गुरुजी है तो थोड़ी हमें
यू नो सीरियस रहना पड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं, कैसा होता है? जब इस ड्रेस में होते हैं तो फिर वो गुरु बड़ा उनके नहीं होता सर, कि वो आते हैं और बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जब कई कुछ बच्चे इस किस्म के भी होते हैं, गुरु जी क्या हाल है, मैंने कहा बेटा बढ़िया हाल है, ऐसे तेरा भी हाल ऐसा नहीं है, तो उनको रोकते हैं, तो दोनों तरह का अनुभव होता है। अच्छा आप हाथ दीजिए ना एक बार। नहीं नहीं ऐसा, अरे ये देखो ना ये बात है, सॉलिड हग है, ऐसे होना चाहिए, देखिए क्या बात है, क्या एनर्जी आती है। गुरु जी आप मुझे बताओ, आप जब क्रिकेट खेला करते हैं ना, जब भी कोई मुझे बॉलिंग करता है ना तो मैं आउट हो जाता हूँ यार, मुझे छक्का मारने का स्ट्रोक दिखाओ ना यार, जैसे छक्का कैसे मारते। इमेजिन कोई सामने बहुत फास्ट बॉलर है, एक स्ट्रोक मारो ना, मैं भी कॉपी करता हूँ फिर। अगर वो बाउंसर मारता है, हाँ ये लगा छक्का, रे भैया बॉल तो लटाओ यार भाई, हमारे अट्ठा भी है वहाँ। हाँ आपके द्वारा बताना चाहेंगे, हो सकता है कल को कोई इंग्लैंड वाला अपना ना बना ले। क्या बात है, क्योंकि 99 में हमने 2020 ओवर का शुरू किया था, जो आजकल कहते नहीं जी आपने नहीं किया, वहां शुरू किया, हम शुरू करते रह गए 20 का 99 में, वहां क्रिकेट स्टेडियम है बहुत बड़ा, 2020 का मैच हमने शुरू करवाए, और अपने बहुत से प्लेयर नाम नहीं लेंगे जो आज इंडिया टीम में थे, पहले भी थे, आज भी कुछ हैं, तो कहते गुरु जी हम ये वाला नहीं खेलते, हम तो 50 वाला खेलते हैं। हमने कहा बेटा कभी ऐसा ना हो कि आप खेलना चाहो और खेल ना पाओ, और वही हुआ कईयों के साथ। तो लेकिन अट्ठा वहां क्या होता है कि आप 70 गज तक शॉट मारते हो छक्का है, पर अगर 100 गज मारते हो तो भी छक्का है। वहां हमने एक नई चीज पैदा की कि अगर 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो अट्ठा है, तो वहां अट्ठा शुरू हो चुका है। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी मेरी बीवी मुझे मारती है वो बैट के साथ मारती है, तो उनको आप प्लीज बताइए कि थोड़ा रहम करें मेरे पर सर। मैं लगता है वो डिफेंस कर ले तो ज्यादा अच्छा। But you know what? ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां लोग कह रहे हैं कि गुरुजी ने ओपनली कहा है कि मैंने वीरेंद्र सहवाग हो, विराट कोहली हो, जहीर खान हो, सारे क्रिकेटर्स को मैंने टिप्स दिया है, उनको सिखाया हुआ है। वाकई में सच्चाई क्या है, तह दिल से ऐसा हुआ है गुरु जी? हम आपको वीडियो देंगे। 2010 में विराट कोहली और इनकी टीम वहाँ गेम खेलने आई थी, क्रिकेट खेलने आई थी, शिखर धवन भी था, तो इन्होंने पहले बताया कि इनको पता था कि हम प्लेयर हैं और इंटरनेशनल कोच भी हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें बताइए वो मंत्र क्या है, तो हमने उनको मंत्र सिखाया, गुरु मंत्र, वो हमसे शिष्य बन के गए। जब गेम खेल रहे थे उसके बाद वो आया विराट, कहना गुरु जी कुरकरे खा रहा था, हमें अच्छी तरह याद है कुरकरे खाए जा रहा था, एज ए फ्रेंड ही बात करते थे, तो कहना गुरु जी बात ये है मैं जब 30-40 बनाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हमने कहा बेटा जब तू 30-40 बनाता है तू लगता है कि मैं होली सोली हूँ क्रिकेट का, और वहाँ नए शॉट पैदा करता है, नहीं ना किया कर, पहले उनकी प्रैक्टिस कर, फिर कहता गुरुजी मैं क्या करूं, मैं तो अटैक करूं, तो रोका किसी ने, अटैक करता जा, तू अटैक ही कर, डिफेंस के चक्कर में मत पड़, कहता ठीक है। और उसके बाद वो इंडिया टीम में आया, उसने फोन किया हमारे किसी सज्जन को, गुरुजी को मेरा धन्यवाद कहना, फिर आगे और बढ़ा, फिर उसका फोन आया धन्यवाद कहना, उसके बाद फोन नहीं आया, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है कि आज उसने वो डिफेंस करना सीख लिया है। हमने उसे बोला था कि पहले प्रैक्टिस में सीखना, और ऐसे जहीर खान आए, जूसफ पठान था, अमित मिश्रा, आईपीएल टीम के हमें लगता है 30-40% बच्चे वहां से हमसे टिप्स लेके आए हैं, हम एज ए कोच नहीं है उनके, लेकिन टिप्स हमसे बहुत ली है। तो ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये लीजिए फुटेज। फिर तो ये एक श्वास है ऐसा आते हैं, तो उनमें जो भी रिजल्ट आता है 100%। गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आता है उस पर कंट्रोल सिर्फ 2 महीने में ही पड़ जाएगा, आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। मेमोरी पावर अगर वीक है तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है। आत्मविश्वास जैसे घबरा जाना या ऐसा करने से मतलब नहीं, आप जितना ऐसा जैसे हमने कहा है आप कुछ देर करेंगे ना तो आपके सारे रोम रोम में से पसीना बाहर आ जाए। जैसे हम योगिंग करते हैं या भागते हैं बैठे बैठे, उससे ज्यादा एक्सरसाइज जिससे हर मसल की जो है मसल पुल का संभावना जैसे हुआ ये बहुत ही कम रह जाती है, बिल्कुल नए के बराबर, बुरी चीज नहीं है। और लगातार आप अपने परिवार को भी ये चीज तो आप बता सकते हैं, और साथ साथ गुरु मंत्र चलता रहे। और गुरु मंत्र हम तो गाते हैं जैसे हम सुमन करते हैं, तो ऐसे आप अगर हो सके तो हम आपको वैसे तो अच्छी बात तो ये है कि आप छोड़ दें, पर मतलब ऐसे तो जैसे हमने कहा शराब से नहीं दी, लेकिन वैसे अगर छोड़ दें तो बहुत ही देर बाकी निकाला बेटा। आप लोगों ने कल को मैच भी है शायद, आप लोगों ने गुरुजी ये तो फुटेज तो हम लोग ने दिखा दिया, ऐसे कभी कोई एक्टर आया आपके पास जो बोला यार मुझे टिप्स दो मेरा करियर थोड़ा डामाडोल है और आपने उनको हेल्प किया? हाँ ऐसी बात किसी ने कही नहीं, लेकिन एक्टर बहुत आए हैं और उनमें कुछ ने गुरुमंत्र भी लिया है हमसे, जो विराट कोहली ने लिया था, तो अब वो हम सबको देते हैं, तो वैसे इस तरह का कोई टिप्स हमसे हमारे पास नहीं। पर देखिए आपके फिल्म में जब भी आती है फिल्म
लोग चर्चा करते क्योंकि आपकी पर्सनालिटी यूनिक है, आप यूनिक किस्म के इंसान हैं, गुरुजी हैं, बट ये जो कंट्रोवर्सी आजू बाजू आती है वो आप कैसे हैंडल करते हो? हाँ, कोई कुछ भी कहता है, हर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलेगा। तो हमने जिंदगी में बाकी हर अच्छा काम किया, लेकिन बुराई, बुरे कर्म और बुरी सोच हमारे माइंड में कभी नहीं आई, ना कभी आएगी। करने वालों ने तो श्री राम जी और सीता मैया को नहीं छोड़ा, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं, हम कोई परवाह नहीं करते। क्या बात है। और मेरी छोटी बहन, एक गाना हो जाए। पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट, पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट, ओनली तू ही करे मुझे प्यार, सारी दुनिया करती थी है। पापा दी ग्रेट, मेरे पापा दी ग्रेट। क्या बात है, सो स्वीट, बहुत बढ़िया। Anybody out there hear me, hear me?